हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगस्त से ट्वेल्थ हिंदी की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है, तो आपको हिंदी की तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट को लेकर आप लोग क्या करते हैं, उसकी तैयारी अच्छे से करते हैं और हिंदी की तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं 2-3 महीने में इसकी तैयारी हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से हिंदी का टाइम टेबल बनाना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ताकि आप लोग अच्छा मार्क ला सकें। देखिए, हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके मार्क को बढ़ा सकता है, आपका जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, अगस्त से ट्वेल्थ हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, हिंदी जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3-4 भागों में। एक ये हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य का एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो क्या है। देखिए, सबसे पहले हिंदी में आपका आता है जीवन परिचय। ठीक है, यानी कि हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय को याद करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अब जीवन परिचय कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, इस पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ कि ट्वेल्थ हिंदी के हिंदी गद्य और पद्य में से 5 ऐसे जीवन परिचय को मैंने बताया है, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हिंदी गद्य से अलग और पद्य से अलग जीवन परिचय पूछा जाता है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, जो इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उनको आप याद करना स्टार्ट कर दें। 5 जीवन परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये सब हो गए, तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप क्या कीजिए, 1-2 जीवन परिचय अभी से याद कर लीजिए, उनको समझिए, उनके जीवन परिचय को 2-3 बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब जीवन परिचय का जो मार्क होता है, ठीक है, जीवन परिचय इसका जो नंबर होता है वो एकदम क्लियर होता है, यानी कि आपके एग्जाम में जीवन परिचय आने ही आने हैं और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको सिर्फ एक ही करना होगा, तो इसका नंबर एकदम क्लियर रहता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय उनको आप याद कर लें, और हो सके तो आप लोग, एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया, आप लोग बोलेंगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें जो जीवन परिचय मैंने बताए हैं आप उनको याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, सेकंड टिप्स हमारा आता है, अब हिंदी गद्य की बात हमने कर ली, हिंदी गद्य में जीवन परिचय और पद्य में है। अब देखिए, हिंदी पद्य में और हिंदी पद्य और संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना स्टार्ट कर दें। आप सभी को पता है कि जी हिंदी पद्य है, इसमें आपका जैसे पवन दूतिका हो गया, गीत हो गया, ठीक है, ये सब चैप्टर्स हैं, इनके आपको मीनिंग्स हिंदी अनुवाद लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप क्या करें, इनका एक एक जो लेसन है, आपका पाठ है, उसका आप लोग सारांश निकालना, अनुवाद, हिंदी अनुवाद निकालना स्टार्ट कर दें। जैसे हिंदी संस्कृत है, तो आपको दिया रहेगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश का आप लोग संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक एक चैप्टर, जैसे संस्कृत भाषा या महत्वम है, ठीक है, तो इन सबके संस्कृत के जो चैप्टर्स हैं उनका हिंदी सारांश आप निकालिए, देखिए कितना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी पद्य और हिंदी संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना स्टार्ट कर दें। हिंदी गद्य में आपका क्या है, हिंदी गद्य में आपका गद्यांश दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो हिंदी गद्य में आपको सारांश तो याद करना नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये किस चैप्टर का है, पहचानना सीख जाएँ, उसके बाद में जो आपका, जो आपके लेखक हैं, चैप्टर का नाम, वो याद रखिए। ठीक है, वो आपको संदर्भ लिखने में सहायक होंगे, लेकिन जो हिंदी पद्य और संस्कृत होता है इसमें आपको हिंदी अनुवाद भी लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग संदर्भ लिखना सीख लें और जो हिंदी अनुवाद है उसको भी लिखना सीख लें। ठीक है, तीसरा हमारा आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ कीजिए, आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए, बोनस टिप्स है, इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, एक टाइम टेबल प्रोफेशनल बना लीजिए सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, उसमें हिंदी को भी इंक्लूड कर लीजिए। अब आप लोग अपने तरीके से टाइम टेबल बनाइए, यानी कि अगर आप आधे घंटा पढ़ सकते हैं एक सब्जेक्ट को तो आधे घंटे का बनाइए, एक घंटा पढ़ सकते हैं तो एक घंटे का बनाइए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप एक एक घंटा ही पढ़ें। ठीक है, तो समझ में आया, तो टाइम टेबल आप लोग अपने हिसाब से सभी सब्जेक्ट का बना लीजिए। तीसरा देखिए टिप्स, हिंदी का भी एक अलग से नोट बना लें और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट करें, यानी कि जो हिंदी है इसका भी एक नोट होना चाहिए, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसको नोट कर लीजिए और बाद में वो आप पढ़िए। ठीक है, तो जैसे आप सभी सब्जेक्ट का नोट बनाते हैं वैसे आपको हिंदी का भी नोट बनाना चाहिए, और उस नोट में जो कुछ भी आप हिंदी का पढ़ते हैं उसको नोट करिए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो हिंदी का भी एक अलग से आपको नोट बना लेना है,
समझ में आया। और जो टाइम टेबल है आपका, टाइम टेबल भी आप लोग बना लीजिए हिंदी का, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो देखिए एक बोनस टिप्स मैं आपको दे देता हूँ ये, ठीक है। ये जो है आपका पंचलाइट और बहादुर कहानी, कहानी आपसे आपके एग्जाम में आती है, जो कि आती ही आती है। तो पंचलाइट और कहानी, बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लीजिए। देखिए पंचलाइट कहानी आप लोग क्या कीजिए, सुन लीजिए। जैसे मैंने पढ़ाया आपको पंचलाइट कहानी, तो उसको एक बार देख लीजिए, आप सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा, सारांश याद हो गया। उद्देश्य में आपको ये सब बताना है कि किस लिए इसको किया गया है। तो मैं आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ा चुका हूँ। आप लोग सर्च करेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य शुभम लेक्चरर तो वीडियो मिल जाएगा, पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर तो वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग सर्च करके उस वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका ये जो नंबर है इसका एकदम फाइनली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नंबर जो है ये पूछा ही पूछा जाता है, हमेशा आता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते। तो इनको आप पहले तैयार कर लीजिए, जो कुछ हमेशा पूछे जाते हैं उनको सबसे पहले आप तैयार करें, ठीक है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। समझ में आया? तो ये आपका पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश आपको पढ़ लेना है, और जो आपका एक खंड काव्य आता है, ठीक है, जो भी आप में हो उस खंड काव्य को भी आप पढ़ लीजिए। चौथा टिप्स है हमारा, देखिए हिंदी व्याकरण के रस छंद अलंकार को पढ़ लीजिए। अब देखिए हिंदी संस्कृत, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आता है हिंदी व्याकरण, क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है आपका 50 नंबर का अकेले आता है, ठीक है, वो तीनों जो है 50 नंबर के रहेंगे, लेकिन ये अकेले ही 50 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, हिंदी व्याकरण का जो रस छंद अलंकार है, ठीक है, जैसे रस में हास्य रस, करुण रस, छंद में आपका दोहा सोरठा रोला, और अलंकार में आपका रूपक उत्प्रेक्षा यमक, तो ये सब हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए, आपका 6 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। देखिए जो रस छंद अलंकार है ये हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आप क्या कीजिए, रस में जैसे हास्य रस, करुण रस, इन सबको पढ़ लीजिए, और आपका 6 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रस छंद अलंकार इन वन वीडियो शुभम लेक्चरर अगर आप लोग कहेंगे, तो आपको रस छंद अलंकार ये तीनों एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। 17 से 18 मिनट का वीडियो है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका ये तीनों एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको डेफिनेशन, उदाहरण सब कुछ बताया है। तो आप लोग सर्च कीजिए रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा 6 नंबर आज से ही क्लियर हो जाए, तो उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए पांचवा टिप्स हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है, फिफ्थ नंबर टिप्स क्या है, देखिए हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक का 10-10 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करते रहें। देखिए हिंदी व्याकरण में आप सभी को पता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, ठीक है, ये सब आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, शब्द युग्म, शब्दार्थ, तो इनके 10-10 क्वेश्चन अगर आप डेली सॉल्व करते हैं तो 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए, 300 क्वेश्चन। अब एक महीने में ही आप इन सभी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, ये सब जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सबको आप मात्र 30 दिनों में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी तैयारी मात्र एक महीने में इन सभी टॉपिक की हो सकती है। आप जो हिंदी व्याकरण के 50 नंबर हैं उनको मात्र एक महीने में तैयार कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे पहले ही तैयार कर लें, एक टाइम टेबल बनाकर आधे घंटे ही पढ़ेंगे, बहुत है हिंदी के लिए, ठीक है, डेली। अब देखिए 6 नंबर हमारा है टिप्स हिंदी के लिए, पत्र लिखना सीख लें। पत्र लेखन आपके एग्जाम्स में आता है, तो पत्र लिखना आप लोग सीख लीजिए, और जो महत्वपूर्ण निबंध है उनको भी पढ़ लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट निबंध पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा कि 2022 के लिए कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट हैं। तो पत्र लिखना सीख लें और महत्वपूर्ण निबंध पढ़ लें, आपका ये नंबर बिल्कुल, ये नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी सहायता से आप हिंदी में 90% से एवं मार्क ला सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे लगे आपको ये टिप्स, और क्या आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ठीक है। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या मैं इंग्लिश पर भी इस प्रकार का वीडियो लाऊं, अगर हाँ तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।